दोस्तों वीक 22 की टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है और इस बार की रिपोर्ट में काफी बदलाव देखने को मिला है। आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर इस बार तीन शोज ने अपनी जगह बनाई है। 2.0 रेटिंग के साथ कुमकुम भाग्य नंबर 5 पर आया है। हालांकि पिछले हफ्ते यह नंबर 4 पर था, पर इसकी रेटिंग में पिछले हफ्ते के मुकाबले सुधार देखने को मिला है। लास्ट वीक इसकी रेटिंग 1.9 थी। नंबर 5 के पायदान को शेयर किया है इमली ने 2.0 रेटिंग के साथ। इसकी भी रेटिंग पिछले हफ्ते 1.9 ही थी। दो पायदान फिसल कर नंबर 5 पर ही इस बार यह है चाहते भी आया है, जिसने हासिल किए हैं 2.0 रेटिंग पॉइंट्स। हालांकि इसकी रेटिंग में पिछले हफ्ते के मुकाबले कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। नंबर 4 के पायदान पर इस बार आया है कुंडली भाग्य, जिसने हासिल किए हैं 2.1 रेटिंग पॉइंट्स। इसकी रेटिंग में काफी सुधार आया है। लास्ट वीक इसकी रेटिंग 1.8 थी। नंबर 3 की पोजीशन को हासिल किया है ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 2.2 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। इसकी रेटिंग में भी सुधार देखने को मिला है। लास्ट वीक इसकी रेटिंग 2.1 थी। नंबर 3 की पोजीशन पर आया है गुम है किसी के प्यार में, जिसने हासिल किए हैं 2.2 रेटिंग पॉइंट्स। इसकी भी रेटिंग में हल्का सा सुधार आया है। लास्ट वीक इसकी रेटिंग 2.1 थी। नंबर 2 पर इस बार धमाकेदार एंट्री हुई है नए शो बन्नी चाओ होम डिलीवरी की 2.3 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। अब देखना यह है कि उल्का गुप्ता और प्रविष्ट मिश्रा स्टारर स्टार प्लस का यह शो अगले हफ्ते भी इस पायदान पर टिक पाता है या नहीं। नंबर 1 पर हर बार की तरह इस बार भी अनुपमा आया है, इसने हासिल किए हैं 2.8 रेटिंग पॉइंट्स। हालांकि इसकी रेटिंग में पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी गिरावट आई है। लास्ट वीक इसकी रेटिंग 3.1 थी। तो ये थे इस वीक के टॉप 5 शोज। आप किस शो को टॉप 5 में देखना पसंद करेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।